ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। आज NS Now चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए जनपद सोनभद्र के शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से, जिला अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के सदस्य माननीय मान सिंह जी और माननीय आशुतोष सिन्हा जी के द्वारा व तमाम सदस्यगणों के द्वारा शिक्षा मित्र परिवार व उनके मानदेय पर चिंता व्यक्त करते हुए शासन से प्रश्न किया गया कि क्या इस महंगाई में इनका इतना कम मानदेय पे कार लेना क्या उचित है, बढ़ाने का सरकार की समान कार समान वेतन पर क्या विचार और मानसा है, जिसके जवाब में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा सकारात्मक जवाब देते हुए कहा गया कि इनके मानदेय पर बढ़ाने पर विचार चल रही है और जल्द ही कुछ न कुछ निस्तारण कर सदन को और विपक्ष को अवगत कराया जाएगा। इनके इस बयान से 146,000 लगभग शिक्षा मित्र परिवारों में हर्ष व्याप्त है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को और शासन प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। और साथ ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा मित्र परिवार बड़े आस लगाए हुए बैठे हैं कि यह सरकार कितना जल्दी और क्या हमारे बारे में निर्णय ले रही है, क्योंकि 2017 में शिक्षा मित्र 39,950 लगभग 40,000 के आसपास वेतन पा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणवश कोर्ट के निस्तारण समस्या निवारण के कारण आज शिक्षा मित्र इनका समायोजन निरस्त हो गया। इसके बाद इनको सरकार द्वारा 10,000 का मानदेय दिया जा रहा है, जो 2017 से आज तक महंगाई दर देखा जाए तो लगभग 3 गुनी हो चुकी है, लेकिन मानदेय यथावत है। शिक्षा मित्र परिवार पीड़ित है, हजारों हजार शिक्षा मित्र खुदकुशी कर चुके, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से संगठन प्रयासरत है और शासन प्रशासन में जो चर्चाएं चल रही हैं कि इनके मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी, तो बहुत ही खुशी की बात है, होना चाहिए, क्योंकि इतने कम मानदेय में शिक्षा मित्र परिवार अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, चिंतित है, तनावग्रस्त है। और जब कोई तनावग्रस्त रहेगा तो शिक्षा कार्य या कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो इस सभी को ध्यान में देते हुए शासन को भी चाहिए कि तत्काल इनका निस्तारण हो, और इसके लिए शिक्षा मित्र परिवार ने घोषणा कर दिया है कि दिसंबर माह तक अगर हमारा निस्तारण अगर सरकार द्वारा नहीं किया जाता है तो नए साल 2024 में पुनः शिक्षा मित्र एक बार पुनः लखनऊ की सरजमी पर राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, और फिर क्या निर्णय आएगा वह समय स्थिति परिस्थिति के अनुकूल होगा। पुनः शासन से निवेदन करूंगा कि एक बार विचार करके शिक्षा मित्रों के लिए समान कार्य समान वेतन, जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी है कि समान कार्य समान वेतन देश में लागू होना चाहिए, और अन्य राज्यों की भांति भी देख लिया जाए तो सबसे कम आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही मानदेय 10,000 है और बाकी अन्य राज्यों में अच्छे मानदेय हैं, तो उन राज्यों की अपेक्षा या समान कार्य समान वेतन देकर के शिक्षा मित्रों के मान सम्मान
को बनाए रखें और शिक्षा जैसे पुनीत कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और जो है प्रदेश के 1.5 लाख परिवार का जीविकोपार्जन के लिए यह एक ठोस कदम है जो सरकार ले और उससे सभी को लाभान्वित करे। इसी के साथ जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।